प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पालिया कला में आखिरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू की गई है, जिसके कारण महिलाओं और लड़कियों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। भारत सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए 70 लाख सौर ऊर्जा सोलर लैम्प की शुरुआत करके महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। रोजगार मिलकर महिला काफी खुश दिखाई दे रही है, जिससे महिला लखनऊ लखीमपुर खीरी सहित 2 चरणों में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी हैं और ट्रेनिंग के बाद कार्य भी कर रही हैं। लखीमपुर खीरी से अमन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं पांडे हूँ, मैं IIT बॉम्बे से हूँ, मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ मैं। हम पलिया ब्लॉक में हैं और ये MNRE भारत सरकार की योजना है और इसमें 4 पार्टिसिपेट हैं, पार्टनर हैं। पहले भारत सरकार है जो छूट देने का काम कर रही है, उसके बाद IIT बॉम्बे है जो पूरा गाइडलाइन और दिशा निर्देश का काम कर रही है, प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। उसके बाद NRLM और SRLM है जो क्षेत्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके नीचे इनका CLF है, समूह है, जो ब्लॉक लेवल पे ये जो काम करने का है, ये पूरा रूरल एरिया में गाँव में डिस्ट्रीब्यूशन का बनाने का ये इनका काम है महिलाओं का। उसके बाद ये महिलाओं को अभी प्रशिक्षण दिया गया है लैम्प बनाने का और वितरण करने का, जिसमें इनको बनाने में 12 लैम्प पर लैम्प मिल रहा है, 12 रुपये पर लैम्प मिल रहा है और वितरण करने का 17 रुपये पर लैम्प मिल रहा है। इसी प्रकार से ये यहाँ का टारगेट है 24,000 पलिया ब्लॉक का, और ये 24,000 लैम्प बनाएंगी और वितरण करेंगी। लाभ सौर ऊर्जा लैम्प योजना तो ये स्टडी लैम्प है और इसका टारगेट 24,000 है एक साल का। और हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लड़कियां कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन लड़कियां भी कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। घर बैठे बैठे कोई जैसे अपनी औरतों को निकलने नहीं देता है, अब हम लोगों को सरकार द्वारा अब निकलने की भी इजाज़त मिल गया है और हम लोग कुछ करके दिखा भी सकते हैं और अपने घर के भी काम में हम हाथ बता सकते हैं और कंधे से कंधे मिला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी अब रोजगार हो गया है, हम लोग भी पैसे अपने खुद का अपने